जो चीज थी पकड़ी जा चुकी है, अब तो बिल्कुल स्वतंत्र है। बेटा मैं लेटती हूँ तो मेरे को घबराहट सुन तू अभी रखती लेट है। जरा फोन पे, तू देख जितना सोचेगी उतनी होगी घबराहट, क्योंकि तू संपर्क में आ गई थी ना, इसलिए तुझे अभी भी घबराहट हो रही है। अभी मैं क्रिया कर रहा था, तुरंत तेरा फोन देखा, मैंने कहा कहीं पता नहीं से क्या वहम हो गया, कोई चीज तो निकाल दी। अगर आप फोन पे बात करते मेरी घबराहट दूर हो जाती है, आप फोन रखते हैं तो नहीं इस वाला। एक बार तू लेट जा। तू मोह माया से इतनी जुड़ी हुई है बहुत ज्यादा, जुड़ो ना बच्चों के सिर पे बाप नहीं तो मैं ही हूँ। मैं तो रात भर पता नहीं आज कैसे जागी, सारी रात आपके से बात कर रही हूँ मैं तो आज। मैं जरूरी काम कर रहा था, उसे रोकना पड़ा। नहीं गुरु जी आप कल को कर लेना, कल मेरे को तो आज नींद भी नहीं आ रही, मेरे को तो घबराहट उठ रही है बहुत ज्यादा। अभी भी मेरा दिल ऐसे लगता है जैसे मेरे को अटैक पड़ जाएगा अभी। अटैक एकदम से नहीं आता है। तेरे आसपास घर के आसपास अस्पताल है कोई नंका? अगर तुझे अटैक आ गया तो वहां पर इलाज हो जाएगा। यहाँ से तो बहुत दूर है, जब तक लेके जाएंगे तब तक वहां पर पहुंच नहीं, जाऊंगी। एकदम नहीं मरता आदमी, पहले अटैक में नहीं मरता है, दूसरे तीसरे में मरता है, ऐसा हमने सुना है। गुरु जी की रही है नौक और तो बस। तुझे जिंदगी भर याद रहेगा तांत्रिकों से बात करना कितना खतरनाक होता है। अभी तो तू वहम कर रही हो, कुछ नहीं है, चीज निकल चुकी है। पहली बार तू किसी शक्ति के संपर्क में आई थी इसलिए डर गई। तभी मैं कहती हूँ कि आप कर दो मेरा काम, बार बार मुझसे कहते हो, मेरे तो लगता है कि जैसे मेरे से ही दिक्कत होगी। अच्छा हुआ तू तो हल्के से मैं डर गई, अगर हमने कोई बड़ी क्रिया कर दी होती तो तू तो मर जाती अब तक। फिर कहते गुरु जी मेरे को पाप लगवा दिया। अरे पाप वाप क्या, मुझे क्या फर्क पड़ता, मैं तो इंसान खा जाता हूं जो वक्त आता है, तो क्या इंसान का भोग करने वाला दैत्य हूं मैं। इंसान का मांस हमने चखा है, रक्त हमने पिया है, हम कोई साधारण मनुष्य थोड़ी हैं, हम इंसान जब नहीं। तक बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे तब तक ये होता है, जब तक बच्चे थे मैं तो आप जिम्मे तो चाहे आवाज रिकॉर्डिंग हो रही है और लोगों को क्या पहचान आएगी। अरे तो किसी मैं को क्या आपको पता चल रहा है कि कौन है कहां से है, रिकॉर्डिंग ही तो हो रही है। ये घटना का लोगों को अकल आती है ना, बहुत सारे लोगों को वो अकल आएगी। अब मुझे बहुत सारे लोग फोन करके कहते हैं हमें ये करवा दो, हमसे वो करवा दो, अभी हम उन्हें टालते रहते हैं, जब करवाऊंगा। अब मुझे एक चीज की अक्ल आ गई, खुद से कुछ नहीं करना चाहिए, आपने मेरे को उत्साहित कर दिया, मैं तो कभी मत करूं। अच्छा एक बात बता, तुझे बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, तुझे मैं बेटी कहता हूँ, तूने हाँ जी कितनी हाँ जी दुनिया से हाँ बात की होगी, तुझे मुझसे बात हाँ करके जी क्या लगा, मैं तांत्रिक हूं कि नहीं, क्या हूं मैं ये बता। नहीं मेरे को गुरु जी, मैं सब लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं कि ये बिल्कुल सच्चे तांत्रिक है, ये कोई नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है, मतलब इनकी सोच बिल्कुल आपकी सच्ची है और आप हमेशा मदद करते। मैं बहुत मुसीबत में फंस गई थी कि मेरे को ऐसे लगता था कि मेरी जान जाने वाली, अगर आप वक्त पे ना मेरे को झाड़ा लगाते या कुछ करते तो मेरी जान जा चुकी होती। मैं अच्छा गुरु जी की बहुत आभारी हूँ। अच्छा एक बड़ी बात होता, हमने तांत्रिक क्रिया की थी, गुप्त क्रिया थी, वो तो हम नहीं बताएंगे। उस हाँ क्रिया जी के करने के बाद तेरे शरीर के अंदर प्रवेश ले गई थी, नहीं ले गई थी चीज, ये बता। जी गुरु जी, मेरे अंदर बिल्कुल प्रवेश लगी थी, मुझे ऐसे लग रहा था कि उसी टाइम मेरे को घबराहट उठ के मेरी मौत हो जाएगी। ठीक है जब मैंने आपको बहुत मुश्किल से कॉल कर पा रही थी, आपको मैसेज किया तो आपने तुरंत उस चीज का हल किया। कितनी देर लगी होगी हम मुश्किल से उस चीज को हटाने में? 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे पूरे, आपने मेरे को ठीक कर दिया। बस चीज इतनी जबरदस्त थी, उसका वो निकाल तो दी है, लेकिन तेरे दिल में डर बैठ गया है, कहीं बारी हाँ जी गुरु बैठ जाता है, मुझे पता है, और डर बैठ जाता है ना मेरे को, तो आदमी को ऐसा लगता है वही चीज हो रही है। ठीक है मुझे एक सेकंड के लिए गुरु जी ये हो गया था कि मेरे मतलब मैं अपने बच्चों से, मेरे छोटे छोटे बच्चे की, मैं अपने बच्चों से अलग हो जाऊंगी, अब मेरी जान चली जाएगी और मैं सारा ब्लेम उन्हीं को दे रही थी जिसके पीछे कर रही थी।
मैंने कहा कि मेरी जान चली जाएगी, मेरा सारा। इतना मत डर तू, हम कोई साधारण मनुष्य थोड़े ही हैं, हम शैतान के पुजारी हैं। अगर ये छोटी मोटी चीजें तुझे नुकसान पहुंचाएंगी तो लोग हम पे भरोसा कैसे करेंगे? हम तो इन्हें जूते से पीटते हैं, तुझे पता है उसे बंदी गृह में डलवा दिया है, चीज को सजा भी दे दी है तत्काल प्रभाव से। लेकिन अब तुझे वहम है तो इसका इलाज तो बेटा लुकमान हकीम के पास भी नहीं है। अब तुझे वहम बैठ गया गुरु जी, वो तो मैं भी नहीं जानती, पर ये है कि मुझे आप पे बहुत विश्वास है कि ऐन वक्त पे गुरु जी, अगर आप बात करते रहते तो मुझे तो लगता है मेरे पास कोई चीज नहीं है। आपको फोन बंद होती है मेरे को डर शुरू हो जाता है। बेफिक्र हो जा, ऐसा ना पहली बार तुमने चीज का सामना किया तो इसलिए तुझे डर लग गया, बैठ भी गया दिल डर में, मैंने मैं सब घबराहट बैठ गई है। अब कोई एक्सपीरियंस हो गया मुझे, एक्सपीरियंस अब मुझे पता लगा कि बीपी अंदर प्रेत जाता तो गुरुजी कैसा होता है। अरे कैसा मैं तो जान, अभी तो ये सोच जिन लोगों के साथ प्रेत वादा है उनके क्या हाल होंगे, वो क्यों रोते हैं, आज तो उनका दर्द समझेगी। जब तक खुद पे घटित नहीं होता, जब तक आदमी को लगता है सारी दुनिया ठीक है, और जब एक बार घटना घटित होती है तब समझता आदमी। गुरु जी उस टाइम मुझे ये लग रहा था कि जैसे कि मेरे अंदर खूब सारा रोना भी भर गया, और मेरे को ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरे को एक दर्द हो रहा हो, बहुत बेचैनी हो रही थी कि जैसे कि मेरे कुछ अंदर से फट जाएगा। ये तो बहुत खतरनाक शक्ति, ऐसा होता ना जब कोई आत्मा तेरे शरीर के अंदर आत्मा ने प्रवेश किया था, किसी प्रेत ने नहीं किया था। प्रेत बहुत खतरनाक चीज होती है, आत्मा तो बहुत हल्की चीज होती है, ठीक है। लेकिन उसे पता नहीं था कि गलत गलत जगह प्रवेश कर गया। मैंने तो कम से कम ये समझ ले दो दो तीन तीन हजार साल पुराने जो जिन्नात होते हैं उन तक को बंदी बना रखा है। मेरे पास तो अफगानिस्तान से और तेरे जितने मुस्लिम देश हैं वहां तक से लोग जुड़े हुए हैं। बड़े बड़े मुल्ला मौलवी बेचारे जो काम नहीं कर पाते वो काम मैं करता हूँ। एक मौलाना थे बहुत बड़े, नाम नहीं बताऊंगा, इधर गए थे अफगानिस्तान के, उन्होंने कोई अमल किया होगा, अमल बिगड़ गया। अभी जो मुस्लिम थे वो धर्मगुरु भी थे, किसी को अच्छे जिनको बुला रहे थे, अमल बिगड़ गया, स्थिति हो गई खराब, तो दिमाग विमाग भी चल गया सब कुछ। अच्छा वो क्या करते थे, जैसे कोई चूहा हुआ, गिलहरी हुई, ठीक है, ये जैसे कुछ चूहा होता है या कुछ छिपकली, इस प्रकार के जो जीव होते थे उन्हें पकड़ देते तो चबा देते थे, कच्चा खा जाते थे, और उन्हें होता भी कुछ नहीं था। उनके घर वालों ने कहा कि ऐसी बुरी चीज इनके शरीर में घुस गई है कि हमने इन्हें सांप खाते देखा है और इन्हें कुछ भी नहीं होता, और ये जब सोते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा कोई जानवर सो रहा है, इनकी आवाज इतनी भयावह और डरावनी होती है, हमें डर लगता है। और जब ये देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कोई बहुत खतरनाक चीज हमें देख रही है, हमें कभी भी नहीं लगता कि हमारे पिताजी हैं। उन लोगों को कहना था, मैंने यहीं बैठे बैठे भारत में बैठे बैठे अपनी क्रिया चालू करवाई, बड़ी तांत्रिक क्रिया लगवाई, तो तेरा तो कुछ भी नहीं है, तेरा तो खेल कुछ भी नहीं समझता है, तो कुछ भी नहीं है, बाल का तिनका भी नहीं है तेरा तेरा मामला। आप कहते हो कि मेरे दिल में कुछ नहीं, आप देखो वैसे ही मतलब मैं मजाक नहीं कर रही कि मुझे लगता है कि आप मेरे अंदर कोई प्रेत घुसे, मेरे को ऐसी घबराहट हो रही है दोबारा, फिर आप बात करते करते देखो वो पता अंदर से कोई चीज ऊपर को आ रही है। मैं बता रहा हूँ, तो ना मुझे मेरे पे कोई चीज छूट गई हो। नहीं 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 मेरी बात सुन, मैंने देख लिया, तुझसे बात की ना, जब देख लिया था दोबारा, तेरे शरीर के अंदर अब कोई चीज नहीं है। पहली चीज जब वो तेरे अंदर घुसी थी ना चीज, तो तेरे शरीर में पहली बार ऐसा बदलाव हुआ था, तो उससे तेरे शरीर में एक भय बैठ गया है। अब तुझे मान के ना मान, अब ये वहम तुझे देरी से जाएगा, क्योंकि ऐसा होता जब पहली बार, मैंने कई बार क्या किया, मेरे से कुछ चेले होते हैं जो मानते नहीं है कि चीजें होती हैं कि नहीं होती हैं, तो मैं उन्हें जब दिखाता हूँ या उनके शरीर में कोई चीज डालता हूँ, जब मैं डाल के निकाल लेता हूँ ना, लेकिन वो मानते नहीं कि चीज निकल गई, वो महीनों तक मुझे फोन करते रहते हैं, क्योंकि वहम बैठ जाता है। फिर एक बार चीज चली गई, निकाल भी देना फिर भी वो मानता नहीं है, फिर उसे डर बैठ जाता। पर ये है कि मेरे को बाहर का नौकरी पे जाना, अपना काम करना, कि ये नौकरी मेरे से काम ना हो, कुछ ना हो, ये अरे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बिंदास होके सो जा, डर मत, समझ गई।
नींद नींद जैसी घबराहट आपने मेरे अंदर डाली है ना, वो बट वहीं पे है ना, उसके अंदर भी घबराहट डाल दो, पता लग जाए उसको। दिमाग तेरा, ऐसी दिमाग तेरा अभी चल रहा है, दिमाग तेरा काम कर रहा है अभी। अभी तो सोचना बंद नहीं कर रही है, अभी भी तेरा दिमाग काम कर रहा है। खैर कोई ऐसी परेशानी में आ गई तो दुनिया के लिए एक चेतावनी दे दे तू, लोगों को बता के जाके फालतू में जो लोग हमें फोन करते हैं और कहते हैं कि भाई हम फला चीज करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश है? मेरे ऐसे लोगों के लिए संदेह के इतना बड़ा रिस्क मत उठाइए। अब तो गुरु जी आ गए, आगे से कोई गुरु नहीं आएगा। मेरे लिए खुला मैसेज है, जिसे जो करवाना है प्लीज अपने गुरु जी को संपर्क करके ही करवाइए, उन्हीं से करवाइए, खुद ना बनिए गुरु। अभी लोगों को मैं यही समझाता हूँ लेकिन लोग मानते नहीं है। चल ये तो चीज चल मेरे मेरे पास थी, मेरे नियंत्रण में थी, तेरे शरीर में घुसी हमने निकाल भी दी, सब कुछ ठीक भी कर दिया। आप तो ठीक है खैर, लेकिन वहम रहेगा तुझमें। लेकिन उनका सोच जिनके शरीर में घुस जाती है निकलती नहीं है, क्योंकि हम तो होते नहीं वहां मदद करने के लिए। जी गुरु जी, उनका हाल सोच, उनका क्या होता होगा? अगर मेरे को आप जैसे कोई आदत होता काम करना निकालना तो मैं भी यही काम करती गुरु जी। अपनी तो निकाल नहीं पाई, दूसरी क्या निकालूं। चल कोई बात नहीं, अब तू सो जा, और घबराहट वबराहट तुझे हो तो ज्यादा चिंता मत करना, इतना समझना ये अब तेरा वहम है, क्योंकि शरीर से चीज निकल गई। हाँ थोड़े बहुत बदलाव आ जाते हैं तो घबराहट होती है, क्योंकि ऐसा ना बेचैनी हो जाती है आदमी को, जब एक बार चीज शरीर से होके गुजर जाए ना, तो पहली बार तेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए बेचैनी होती, कई बार कई दिन तक बनी रहती है, लेकिन ये मुझे लग रहा तो रहेगी नहीं, क्योंकि बेचैनी खत्म तो सोचेगी तो होगी, वो पहली बार तो नहीं ना भी सोचो तो भी भाई, तो घबराहट घबराहट की गुटली खानी पड़ जाएगी, तो टैबलेट लग जाएगी खाने के लिए। गुरु जी देखना, मेरे को तो कई बार लगता है कि गुरु जी कही आपने मेरे को सही रास्ते पे करने के लिए तो नहीं डरा दिया, आपके पास शक्ति है। अच्छा देख, मैं आज ही रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, अगर तू कहे ना मैं तेरे सामने चीज प्रकट कर सकता हूँ अभी। ना गुरुजी ना, देख मतलब मैं एक बात कह रहा हूँ, मतलब कुछ होगा तभी इतनी बात कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है देख, अब तुझे विश्वास है तो बता, नहीं तो मैं अपनी किसी शक्ति को भेजता हूँ, तेरे सामने प्रकट होगी, वो बताएगी तुझे कि कुछ नहीं है। अच्छा अभी तो आपसे बात करी, आप थोड़ी देर में चाहते अटैक हो जाए। अब भाई तू चीज की तो मानेगी ना बात, इतनी बड़ी शक्ति आके अगर तुझे कहे कि कोई चीज नहीं है, गुरु जी ने भेजा। बताने लायक रह जाऊंगी मैं, बताओ। अरे गुरु जी कहते एक तरफ से जीवन दान देते, दूसरे से कहते कि प्राण भी हरण कर लो। बेटे क्या करूं, मैं शैतान का पुजारी हूँ, भगवान का पुजारी होता तो इसी बात करता। आप शैतान शैतान भी बेवजह से किसी को परेशान नहीं करते गुरु जी, आप अच्छे खुद बोलते हो ये बात। हाँ ये तो बात है, आप खुद बोलते हो, मैंने तो खुद भी इतनी बड़ी दत्तराज की कसम दी गुरु जी, हमेशा मेरी रक्षा करना। बेटी रक्षा ही कर रहा हूँ तेरी, रक्षा का वचन था तभी तो एकदम ठीक कर दिया, और ना मैं नहीं करता जल्दी से ठीक, अगर कोई सच में दिक्कत होती है तो बड़ी क्रिया ही होती है, और मैं इतना समय थोड़ी, ये तो हमने उस चीज को सजा दी है, इसलिए तो मैं अपने शिष्यों पर कालचक्र जागृत करवाता हूँ, सुरक्षा घेरा बनवाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे करते हैं, अब उन्हें नहीं पड़ता हवाला, लेकिन मेरे पास जो विद्या है, जो क्रिया मैंने तुझे बताई थी, ये कोई साधारण क्रिया थोड़ी है, ये तो अगर मैं सूर्य ग्रहण पर अगर कोई बड़ी क्रिया करवा दूँ किसी पर, तो अच्छा भला आदमी या तो शक्तिशाली बन जाएगा, नहीं तो मारा जाएगा डर के, चीज प्रकट हुई तो मर जाएगा, समझे? तो हम तो ऐसा ना बोलते बहुत हैं, भारत के अंदर बोलने वालों की कमी नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गुरु जी कहो तो ब्रह्मांड ही ला दें, गुरु जी कहो तो चांद ला दें। हमने कहा बेटे चांद वांद छोड़ो, तुम साधना कर लो, कोई चीज प्रकट हो गई ना बस उससे वचन ले लेना।
रात को भगवान कसम अगर वो कुत्ता आगे से गुजर जाए ना उनके उनका पजामा गीला हो जाता। गुरुजी कहना आसान है, आपके सामने बैठ के तो कोई क्रिया कर भी लेगा, अकेले में नहीं कर सकेगा। मेरे बहुत सारे ऐसे चेले हैं जो तू विश्वास मानेगी, बंगाल का मेरा चेला है। गुरुजी आदमी होगा कोई और? अरे आदमी लड़का है। और अंधेरी काली रात में, अमावस्या की रात में, कई किलोमीटर अंदर जंगल में गया। आबादी नहीं इंसान के, जानवर बाघ है वहां पे, उस बंगाल के क्षेत्र में बाघ है, टाइगर, बंगाल टाइगर कहते हैं जिसे। और वहां जाकर उसने शमशान दिखाया, बहुत पुराना, कहे गुरु जी बहुत पुराना शमशान है, यहां तो आते भी नहीं लोग, यहां टाइगर का जोर है। उसने पूरा शमशान दिखाया और कहा गुरु जी आपकी आपकी हिम्मत से आ गया मैं, क्या आप गुरु हैं? तो जब वो हमारे उससे गया है तो हम सुरक्षा भी देते हैं, टाइगर थोड़ी खा जाएगा हमारे शिष्य को, हम ही खा जाते हैं बतेरे टाइगरों को तो अपनी शक्ति से। खैर, और टाइगर तो वैसे भी माँ दुर्गा की सवारी है, ठीक है, और हम हैं माँ दुर्गा के बेटे, तो माँ दुर्गा का वाहन हमारे शिष्यों को और हमें कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए तो कहते हैं जितनी भी देवी हैं, माँ काली हुई, दुर्गा हुई, इनके पुत्र हैं हम, इनकी कृपा है। तो बहुत सारे काम जो होते हैं ना, इन देवियों की शक्ति हमारे बीच में नहीं आती। कभी सुना है कि किसी माँ ने अपने बेटे को बुरा कह दिया हो? हाँ, तो बेटा तो कैसा भी हो, बेटा बेटा ही होता है, माँ के लिए उसका पुत्र सबसे अच्छा होता है। मैं भी तो आपके बेटी हूँ ना। हाँ, तो बस, तो तू भी चिंता क्यों कर रही है? आज तो तू जरा सी आत्मा से डर गई, तेरी तो हिम्मत देख रहा हूँ मैं। मेरी तो चेली ऐसी ऐसी हैं, ऐसी सी हैं, एक तो मेरी ऐसी ऐसी चेली, कह रही शैतान प्रकट करो गुरु जी मुझे देखना। अब मैं जानता हूँ अगर मैंने प्रकट कर दिया ना तो इस मैं प्रकट करके हटा भी दूंगा पर ये मर जाएगी। अब मुझे पता है ये मर जाएगी क्योंकि ये मानेगी नहीं मैंने हटा दिया, क्योंकि एक बार सामने प्रकट हो गई ना चीज और इसने देख ली, जिज्ञासा तो खत्म हो जाएगी परंतु ये मर जाएगी क्योंकि इसकी कल्पनाएं द्वारा उसे प्रकट कर देंगी। ये सोचेगी यहां आ गया, यहां आ गया, बस हमारा और जीना हराम करके देख देगी। बहुत सारी लड़कियों को मैं समझा समझा कर थक गया हूं, मैंने बेटियों दूर रहो, अपना काम कराओ बस, तुम में हिम्मत है सीखना है तो तुम्हारा स्वागत है, मैं बैठा हूं सिखाने के लिए। तभी तो पूरे गुरुजी, मैं तो यही कहती हूँ सबको कि भी अगर जिसको सीखना है गुरुजी के पास जाके सीखो, जो कोई मरने वाला हो तो बचा तो लेंगे। इतनी दूर से तो, अरे एक बारी की घटना, एक बारी की घटना है, बता रहा हूँ आज मैं तुझे, वरना मैं बहुत कम बात करता हूँ, लोगों को पता है, लोग फोन ये रिकॉर्डिंग सुन के आधे तो गुस्से में लिख भी सकते हैं, कमेंट तो बंद है पर हमें मैसेज करेंगे गुरु जी हमारे तो जवाब देने का समय नहीं है आप पे, और आप एक घंटा उससे बात कर रहे थे लड़की से। अभी तो मैं आपकी बेटी हूँ। अरे वो तो है, बेटी है, लेकिन लोग कहते हैं हम भी तो आपके बेटे हैं। तो सच आप आपकी पहली वीडियो आई थी ना, सबसे पहले मैंने ही बात की थी। चाहे मेरे को कुछ हासिल नहीं हुआ पर बात आपसे करती रही थी। ये तो है। मैंने ये है कि मैंने अपने मन से आपको पिता माना, मेरे पापा नहीं है पर आप मुझे पापा की जगह से रखते। तो बेटा हम तुझे बेटी समझते हैं, देख तेरी सुरक्षा भी कर रहे हैं। मैं बता रहा था, कोई बात भूल गया मैं बीच में, अपने शिष्य की बात कर रहा था। तो हुआ क्या, मैंने नया नया लड़का था वो सीखने आया, और वो क्या था, बहादुर बहुत था। तो मैंने कहा बेटे ये चीजें खतरनाक होती हैं, तो उसने सोचा होगा ये भी बाबा ऐसे ही जैसे सारे बाबा होते हैं, उसे पता तो था नहीं मेरे बारे में तुम तांत्रिक। तो अब हमें हंसी आती है इन बातों पे, कई बार सोचते हैं तो बड़ा बहुत हंसते हैं आपस में, अब हमारे पास यही बातें होती हैं करने की। तो कहता गुरु जी मैं किसी चीज को प्रकट करना चाहता हूँ। तो मैंने पता नहीं कौन से नंबर का जादू था, वो 576 नंबर की विद्या थी जो मैंने उसे बताई। और मैंने कहा तू ऐसे ऐसे सामान लिया, सामान ले आया, वो रात का समय था तो मैंने बताया था जंगल में करनी है, कहीं आउटर पे दिखाई ना दे किसी को। तो वह चला गया, निडर तो था ही था। अच्छा मैंने कहा कि मंत्र पढ़ते रहना, तो मैंने कहा चीज साया आएगा, अब मुझे नहीं पता था चीज भी प्रकट हो जाएगी, क्योंकि मंत्र पढ़ते हुए कई बार समय काल से ऐसे द्वार बन जाते हैं कि दूसरी चीज आ जाती है उस चीज के अलावा कोई। अच्छा हम उसे सुरक्षा कवच देना भूल गए बातों में ना, मेरे दिमाग से निकल गया क्योंकि उस रात भी मुझे बहुत सारी क्रियाएं करनी थी और इसमें मैं भूल गया उसे सुरक्षा कवच देना।
घेरा बनवाना भी भूल गया उससे। अब बैठ गया, उसने मंत्र चालू भी कर दिया, मैं फोन कट के मैं तो चला गया। अच्छा, मैं जब सुबह आया कि पिताजी का फोन आ रखे, कहीं बहुत फोन आ रखे, ये समझ ले 80-85 मिस कॉल होंगी फोन पे। पहले तो उसके पिताजी ने फोन करते, महाराज जी पैर पकड़ता हूँ, चरण स्पर्श बचा लो मेरे बच्चे को। मैंने कहा भाई कौन बोल रहे हो? कह रहे गुरु जी मेरा लड़का था, रात ये कर रहा था, कोई चीज प्रकट हो गई, वहीं उठा उठा के पटका उसे, हालत खराब है, डरा पड़ा, आंखें खुली हैं, बंद ही नहीं कर रहा। अब हमने जब सुना हमें बहुत हंसी आई। सोच में पड़ गए, हमने कहा ये तो नास्तिक था, चीज को मानता नहीं था, लेकिन इसे पटका किसने? अब ये भी चिंता हो गई। हमने कहा हमारा फोन ले जाओ उसके पास। हमने अपने दैत्यराज के कुछ आदेश जो है मंत्र है पाए, तो साधारण हो गया एकदम से। हमने उससे बात की, हमने कहा बात क्या है? तो उसने कहा गुरुजी मैंने ऐसी भयानक चीज देखी है, अगर मैं आपको बता दूं, मैं बताते हुए भी डर रहा हूं, उसके पूरे शरीर पे बाल थे, पूरे शरीर पे जैसे कोई रीछ हो, गुरुवर उसके नाखून इतने लंबे थे ना, और आकार में उससे 3 गुना था। समझ लो एक आदमी का कद कितना होता, 5-6 फीट होता, उससे 3 गुना था आकार में। कह रहा था गुरुजी जब मैंने अग्निकुंड पे फला मंत्र पढ़ के जैसी आहुति दी तो अग्निकुंड फटके उसमें से प्रकट हो गया। कह रहे गुरुजी उसने सिर्फ मुझे मारा नहीं, जैसे उसने मेरे साथ वो खेल रहा हो, मुझे कीड़ी समझ लिया हो, मतलब चूहे के साथ बिल्ली नहीं खेलती, ऐसे खेल के गया, हंस रहा था वो, मतलब उसके अंदर क्रोध नहीं था कि मुझे मारने आया है वो, बस वो प्रकट हुआ और वो मेरे साथ जैसे चूहे बिल्ली का खेल खेला उसने, मुझे झुंझोड़ा, हल्का हल्का पटका। गुरुजी मैं बस मुझे दिल का दौरा नहीं आया, और मैं तो ये सोच रहा था कि मैं आपकी शक्ति के भरोसे बैठा था कि मुझे कुछ नहीं होगा। तो हमने कहा हम भी भूल गए थे जो सुरक्षा कवच देना, क्योंकि पहली बार वो आया था, ठीक से गुरु दीक्षा भी उसने नहीं ली थी, सुरक्षा घेरे का भी उसे नहीं पता था, जिद कर रहा था वो कि मुझे देखना है, तो मैंने विद्या बता दी थी, जब कोई जिद करता है तो मैं दे देता हूँ। ले भाई ठीक है ले ले। अब तो ये सोच उसकी कैसी स्थिति रही होगी, आज तक भी उसका फोन नहीं आता मेरे पास। तो इसलिए लोग डरते हैं हमसे बहुत। कोई आदमी आएगा, अब कईयों को तो माफ कर देते हैं, छोड़ो चलो, इसलिए कहते हैं ये दुनिया बहुत निराली है, सारे झूठे नहीं होते हैं। अगर आदमी सोचे कि सभी तांत्रिक एक जैसे हैं, तो सारे यहाँ रोटी के लिए नहीं बैठे। तो फिर हमारे पास आके विश्वास आ जाता है ना उसे। अरे जब वो हमसे मिलता है तो फिर उसे विश्वास आ जाता है, फिर वो भूलता भी नहीं है। अभी तुझे विश्वास आया कि नहीं आया बता, और नहीं आया तो दोबारा ले लाऊं। मुझे नहीं लाने की जरूरत, मुझे भी करो व्यवहार तो। मैं एक बात कह रहा हूँ भाई, हम पे विश्वास अगर नहीं हो, हम पे नहीं विश्वास की बात कर, विश्वास नहीं हो तो हम दिलवा सकते हैं। अब हम पे कुछ शक्ति होगी तभी तो गारंटी ले रहे हैं, ऐसे थोड़ी कोई ले सकता है। हम दुनिया होती है, दुनिया घूमती है। मुझे इतना भी विश्वास है कि आप जिसे मैं चाहती हूँ वो भी आपके थ्रू ही मिलेगा मुझे। बेफिक्र हो जा, वो भी तुझे मिलेगा, ठीक है, उसकी चिंता भी छोड़ दे, बस बेफिक्र हो जा। गुरु जी की जुबान है ना, आपको कोई लालच है मुझसे ना कुछ, आपने बेटी बनाया और जुबान दी और आप मेरे को मिलवा भी दोगे। मैं मिलवा दूंगा बेटी, ठीक है, बेफिक्र हो जा। देख बेटी है तो बेटी है, अब क्या करें, अब हमारा कौन है दुनिया में, तुम ही लोग तो हमारा परिवार हो। अब इतनी बेटियां, मुझे तो नाम भी ध्यान नहीं है, पूरे भारत में, विदेशों में, कुछ को तो फोन आते हैं कहते हैं और गुरु जी भूल गए। हमने कहा बेटी भूला तो नहीं है, तू बता कैसी है, तेरा क्या नाम है, कौन से संग में तुझे। मैंने ऐसे लिख के भेजा था कि आप भूल गए। चल मैं भूलता नहीं, चल ठीक है, मैं अपना काम निपटा लेता हूँ, ठीक है, मुझे कोई क्रिया करनी है। फिर कहता हूँ गुरु जी प्लीज कोई ऐसी घबराहट हुई, मेरा फोन उठा। तुझे व्यायाम होगा, मेरी सुन ले बात, अब तू डर मत। एक बार चीज देख के आदमी को डर लगता ही है, पर मेरा विश्वास जान, मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ, ना तेरे शरीर के अंदर अब कुछ है, तू बिल्कुल सुरक्षित है, कसम दैत्यराज की कुछ नहीं है, अगर तू सोचेगी तो डर लगेगा। नहीं नहीं ठीक है, आप नहीं, दैत्यराज कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं,
दैत्यराज की इतनी कृपा है कि ये बड़े बड़े चीजों को बंदी बनाते हैं। ठीक है गुरु जी, आपके ऊपर विश्वास करती हूँ, आपको सी दैत्यराज की कसम, मेरी हमेशा रक्षा करना। कसम खा के कह रहा हूँ दैत्यराज की, रो मत, तू तेरी हमेशा सुरक्षा है, हमारे हाथों में है, कोई चीज तेरी बाल बाका नहीं कर सकता, समझ गई? ये छोटी मोटी आत्मा उसका जो बाल बाका करना फिर उसकी वजह से उसको दोष दे रही थी मैं। कोई बात नहीं, उसका इलाज कर देंगे किस दिन। लेकिन मैं कई बार ना लोगों को नहीं छेड़ता, मैंने कहा कि लोग अपना जीवन, जिसके बच्चे बीवी बच्चे वाले होते हैं ना उन्हें भी नहीं मैं छेड़ता, जिसका परिवार होता उसे भी मैं नहीं छेड़ता। मैंने कहा इसकी गलती है, इसके बच्चों की गलती नहीं है, बड़ा दिल लगता। उसकी शादी कब हुई गुरुजी मेरे घर में? क्या चीज? उसकी शादी कहाँ हुई है? उसकी बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं तो कई लोगों की गलती होती है लेकिन उसकी बीवी बच्चों की गलती नहीं होती, तब भी मैं उन्हें छोड़ देता हूँ, मैं उन पर नहीं करता क्रिया विद्या, क्योंकि इससे नुकसान क्या है तो सोच नहीं सकती। मेरे पास कई सारे ऐसे केस, कई लोग तो ऐसा है कि मेरे साथ अपशब्द बोल देते हैं तो मैं उन्हें मूर्ख समझ के। अम्मा आज आपको एक सच्चाई बताती हूँ, मैं जिससे प्यार करती हूँ उसको लूटना चाहती, सिर्फ प्यार चाहती हूँ। चल कोई बात नहीं, अब तू देख आराम से सो जा, ठीक है बेटी, अब मुझे करनी है अपनी क्रिया पूरी, ठीक है? चल आराम से सो जा, ठीक है ना? ठीक है, चल आदेश महाकाल, जय काल भैरव, जय गोरा। भाई तुमने देख लिया, ऐसे ऐसे केस रोज आते हैं। अभी इस लड़की को एक प्रयोग करवाया था, अपनी बेटी जैसी है, आत्मा शरीर के अंदर घुस गई थी, ये डर गई थी, मरने वाली थी, तुरंत फोन किया, तो जिस पे बीतती है वही जानता है, बाकी दुनिया तो बहुत बड़ी है। चलो अब हम आज्ञा देते हैं, आदेश महाकाल। हाँ